नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राजस्थान के टोंक में कल स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया था, जिसमें पुलिस कर्मी घायल भी हो गए थे। हमले में 3 जवान भी घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उससे पहले टोंक में मेडिकल सर्वे टीम की महिलाओं पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद आज हमले वाले इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। आप सुनिए एसएसपी विपिन शर्मा ने क्या जानकारी दी है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमले की घटना निंदनीय है। उक्त घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है एवं मुकदमा दर्ज किया जाकर 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है। मामले में जांच एवं शेष अपराधियों की धरपकड़ जारी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी से आग्रह किया जाता है कि सरकार की गाइडलाइन व नियमों का पालन करें। कोरोना वॉरियर्स इस संकट काल में दिन रात जन सेवा में तत्पर है। आप सभी से निवेदन है, धैर्य रखते हुए पुलिस का सहयोग करें। जैसा कि आपने सुना कि ऐसा पहले भी हो चुका है, ये हमले की पहली घटना नहीं थी। एसएसपी विपिन शर्मा ने भी लोगों से अपील की है और ये भी कहा है कि सख्त कार्रवाई जारी है, ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।